हेलो फ्रेंड्स, इसमें आदि द साइंस का वेलकम बैक गाइस एंड हैप्पी न्यू ईयर, ऑल्सो हैप्पी मकर संक्रांति, पोंगल एंड लोहरी टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसपोर्टेशन पे बेस्ड है, दैट इज़ हाईवे इंजीनियरिंग, जहाँ पे हम ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे आज। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाईवे को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं कि आपका ये OSD आता कहाँ पे। तो डिज़ाइन कंपोनेंट्स में आपके पास सबसे पहला होता है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, दूसरा साइड डिस्टेंस, तीसरा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डिटेल्स, चौथा वर्टिकल अलाइनमेंट डिटेल्स और पाँचवा इंटरसेक्शन डिटेल्स। और गेट और ईएस में इसमें से क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता है, तो 100% है इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो इन डिज़ाइन कंपोनेंट में से आज हम साइड डिस्टेंस के एक टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे, दैट इज़ OSD, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। इसमें आपका SSD भी आता है, दैट इज़ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ISD भी आता है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, जिस पर से हम आज फोकस करेंगे OSD पे। तो चलो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है। तो ये वो डिस्टेंस है जहाँ पे एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए जितना डिस्टेंस चाहिए उसे हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं। और इतना डिस्टेंस आपको एक स्ट्रेट रोड में देना ही पड़ता है किसी भी कर्व से पहले। और इस टॉपिक को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक डायग्राम समझना है, अगर वो आपने डायग्राम समझ लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक रोड है जो कि एक टू लेन रोड है, जहाँ पे गाड़ियाँ इस तरफ और इस तरफ चलती हैं। तो इमेजिन करो एक हमारे पास ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर एक स्लो मूविंग व्हीकल है, और इस ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के लिए आप पीछे से एक अपनी गाड़ी लेके आ रहे हो, और उस समय आपकी कुछ वेलोसिटी थी VI, या फिर डिज़ाइन वेलोसिटी मान लीजिए, मतलब जिस स्पीड के लिए ये रोड बनी है आप उसी स्पीड से आ रहे हो। अब जब आप इस ट्रैक्टर को देखते हो तो आप अपनी स्पीड को स्लो कर लेते हो, ठीक है। तो स्लो करने के बाद जो आपकी स्पीड हो गई है वो इसी ट्रैक्टर की स्पीड के बराबर हो गई, दैट इज़ VB। तो आपको क्या है, एक फोर्स किया इस ट्रैक्टर ने अपनी आपकी स्पीड को स्लो करने के लिए। अब क्या होगा, थोड़ी देर आप इसी स्पीड से चलोगे ओवरटेक करने से पहले, और दूसरी तरफ देखोगे कि कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, राइट। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक गाड़ी भी आ रही है दूसरी तरफ से, तो इसका नाम दे देते हैं C, इसका A1 वो लोकेशन जहाँ पे आपने अपनी स्पीड ट्रैक्टर के स्पीड के बराबर करी, दैट इज़ VB। फिर A2, इस पॉइंट तक आप चलते चले गए ओवरटेक करने से पहले, कोई भी रिएक्शन या फिर डिसीजन लेने से पहले। तो इसके बीच के टाइमिंग को हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम, और ये टाइम IRC ने 2 सेकेंड्स दिया हुआ है, कि लगभग 2 सेकेंड लगता है कोई भी ड्राइवर को डिसीजन लेने के लिए ओवरटेक करने से पहले। A2 लोकेशन से आप देखोगे कि हैव अ सफिशिएंट डिस्टेंस और नॉट, राइट। और फिर आप यहाँ से ओवरटेक करना स्टार्ट करोगे। कहाँ तक ओवरटेक करोगे, उस लोकेशन तक कि आप इस गाड़ी से आगे निकल जाओ ट्रैक्टर से। तो आप पहुँच गए A3 लोकेशन पे। अब ये जो आपका ट्रैक्टर था वो B1 लोकेशन से B2 लोकेशन में पहुँच जाएगा जितनी देर में आपने ये इसको क्रॉस किया होगा, वो तो अपनी स्पीड से ही चल रहा है, दैट इज़ VB। और साथ ही साथ ये C वाली भी यहाँ तक पहुँच चुकी होगी, C1 से C2 पर। अब इन गाड़ियों में आपको क्या करना है, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट लेना है। रेफरेंस पॉइंट इन सेंस आप ये इसका फ्रंट ले सकते हो B1 का, तो अगर इसका फ्रंट ले रहे हो तो सबका आपको फ्रंट ही लेना पड़ेगा, ठीक है, एज अ रेफरेंस पॉइंट। बुक्स में क्या दिया हुआ है, मैं बुक्स के हिसाब से चलता हूँ कि इन्होंने रेफरेंस पॉइंट यहाँ से ले लिया है ये वाला पार्ट। तो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए S, देयर इज़ द मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द टू व्हीकल्स। ये आपका B हो जाएगा पार्ट, ये उतना डिस्टेंस है जो कि ट्रैक्टर ने कवर किया कितने टाइम पे, जितने टाइम ने आपने इसे ओवरटेक किया, ओके। अगेन आप पहुँचोगे अपनी वही मिनिमम स्पेसिंग में बिटवीन द टू व्हीकल्स। तो आप एक्चुअली में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, आप कवर कर रहे हो इतना, दैट इज T2 मैं इसको नाम दे रहा हूँ। और कितने टाइम पे कर रहे हो, T टाइम पे, दिस वन। और भी कुछ डिस्टेंसेस हैं उनको भी देख लेते हैं। अब देखो, इस लोकेशन से जितनी देर आपको फोर्स किया था ट्रैक्टर ने चलने के लिए उतनी उसकी स्पीड से VB स्पीड से, उसको मान लेते हैं D1, जो रिएक्शन टाइम पे आपको लगी, इतना टाइम आपको रिएक्शन देने में लगा
मतलब सोचने में लगा कि मैं इसको ओवरटेक करने जा रहा हूँ। उतनी देर आपने VB स्पीड से चला तो इसको कह दिया मैंने D1, और साथ ही साथ ये जो C1 से लेकर C2 डिस्टेंस आया है इसको मैं लिख देता हूँ D3। मान लेते हैं ये आपकी जो अपोजिट साइड से व्हीकल आ रही है वो आपकी डिज़ाइन स्पीड से आ रही है, दैट इज़ V। एक और चीज़ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जितनी भी यूनिट ले रहा हूँ SI यूनिट, वो मैं मीटर पर सेकेंड ले रहा हूँ फॉर दी वेलोसिटीज़। बाकी आप बाद में इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं बाई मल्टीप्लाइंग 18/5। तो अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो पूरा का पूरा ओवरटेकिंग साइन डिस्टेंस ही आपको समझ में आ चुका है। चलो देखते हैं कैसे। अब आपको टोटल डिस्टेंस यहाँ देखते हैं कितना लगा ट्रैवल करने के लिए, दिस वन राइट, इसको हम बोलते हैं OSD, दैट इज़ ओवरटेकिंग साइन डिस्टेंस। इतना डिस्टेंस आपको रोड में प्रोवाइड करना ही पड़ता है ताकि जब आप रोड से आ रहे हो तो किसी भी व्हीकल को ओवरटेक करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही एक्सीडेंट्स को रोका जाता है। और अगर आपने कोई भी हाईवे बनाते समय इन सब चीज़ों को ध्यान पे नहीं रखा, देन यू आर नॉट अ गुड इंजीनियर। तो हमारा OSD यहाँ पे क्या निकल के आया, दैट इज़ D1 + D2 + D3। जहाँ पे हमारा ये D1 क्या है, D1 हमारा वो डिस्टेंस है जो हमें रिएक्शन लेने में लगा। तो रिएक्शन लेते हुए समय हम किस स्पीड से चल रहे थे, VB स्पीड से। डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम राइट। तो VB हमारे पास स्पीड है और टाइम कौन सा, रिएक्शन टाइम। और IRC ने ये देके रखा है विच इज़ 2। तो यहाँ से हमें D1 की वैल्यू पता चल गई। अब जरा D2 देखते हैं। तो यहाँ से हमें देख के D2 का क्या पता चल रहा है, विच इज़ B+2S, इज़न्ट इट। B और ये 2S को मिला के बना आपका ये वाला पार्ट। जहाँ पे ये B क्या है, B वो डिस्टेंस है जो कि ट्रैक्टर ने ट्रैवल किया है ना, स्लो मूविंग व्हीकल ने ट्रैवल किया कितने टाइम पे, जितने टाइम पे आपने ओवरटेक किया, कैपिटल टी। कैपिटल टी कौन सा टाइम है, इसके बीच का टाइम है ना। इतने टाइम पे तो आपने A2 पोजीशन से A3 पोजीशन पे गए, तो ये B कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रैक्टर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल टी। तो हमारे पास B की वैल्यू आ गई। अब आती है बारी स्पेसिंग की, विच इज़ S। ये क्या होता है, तो जो ये स्पेसिंग है बिटवीन द टू व्हीकल्स, ये भी IRC ने इसकी वैल्यू दिया है, दैट इज़ 0.7 VB+6। जहाँ पे ये 6 आपका लेंथ ऑफ व्हीकल है इन मीटर्स, तो 6 मीटर प्लस, और ये 0.7 आपका एवरेज रिएक्शन टाइम इन स्ट्रीम फ्लो है। मतलब जब आप रोड्स में ट्रैवल कर रहे होते हो उस समय जो रिएक्शन टाइम होता है आपका वो बहुत ही कम होता है, दैट्स वाई इट इज़ टेकन 0.7। यूनिट से भी चेक कर सकते हो कि ये आपका मीटर पर सेकेंड, ये आपका सेकेंड्स, मल्टीप्लाई करोगे ये पूरी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर्स में, और मीटर प्लस मीटर आपकी स्पेसिंग निकल के आएगी विच इज़ इन मीटर। तो यहाँ से आपको S की वैल्यू भी पता चल गई विच इज़ 0.7 VB+6। बचा हमारे पास D3, तो D3 ऑलरेडी पता है जो यहाँ पर C1 से C2 गया। अब C1 किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, डिज़ाइन स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, तो हम लोग उसको मान लेंगे V। और कितने टाइम पे, जितने टाइम ने आपने ओवरटेक किया वो कहाँ पहुँचेगा, इतने डिस्टेंस पे पहुँचेगा, दैट इज़ D3। तो हमारे पास तीनों डिस्टेंस निकल के आ गई। तो OSD हमारे पास क्या निकल के आया, D1 + D2 + D3 विच इज इक्वल्स टू VBT + VBT + 2S + डिजाइन स्पीड टाइम्स टी, वेयर दिस टी इज योर रिएक्शन टाइम 2 सेकेंड्स। SSD के टाइम पे हम लोग 2.5 सेकेंड्स देते हैं, ध्यान रखना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में। OSD में ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में हम लोग रिएक्शन टाइम को 2 सेकेंड लेते हैं, क्योंकि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होता है वो हड़बड़ी में होता है, तो हड़बड़ी में आदमी पैनिक भी हो सकता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा टाइम लिया जाता है रिएक्शन टाइम, दैट इज़ 2.5 सेकेंड्स। यहाँ पे क्या है, आप नॉर्मल हो, आराम से ओवरटेक कर रहे हो, तो आपको 2 सेकेंड मान के चलते हैं कि इतना आपको डिस्टेंस लगता है कोई भी एक्शन लेने के लिए। कि S मैंने बता ही दिया विच इज़ योर स्पेसिंग विच इज़ इक्वल्स टू 0.7 VB+6। अब बचा हमारे पास ये टाइम कैपिटल T। अभी हमको ये चाहिए, और इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है गेट में और ESE में। तो इसको निकालने के लिए आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा, जहाँ पे ये D2 को आप एक और चीज़ देख सकते हो, ये क्या है, डिस्टेंस है ना। तो अगर आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा S = UT + ½ AT², वही चीज़ यहाँ पे भी लगानी है। तो यहाँ पे D2 हो जाएगा VBT + ½ AT². अब जरा इस D2 को और इस D2 को कंपेयर करो, कौन सा वाला, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को कंपेयर करो। पहला टर्म तो सेम है, तो दूसरा टर्म बचा वो भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ से निकल के आता है कि ½ AT² = 2S।
तो अगले पेज में इसको थोड़ा साफ से लिखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4s/a, और टी की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी √4s/a, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन विथ रेस्पेक्ट टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो यहाँ से हमको टी भी पता चलता है, जहाँ पे ये ए क्या है, एक्सलोरेशन। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें और निकल के आती हैं कि अगर इफ आपको अगर क्वेश्चन में वी बी नहीं दिया है, नॉट गिवन, तब आप वी बी को एज्यूम करते हो जो आपका डिजाइन स्पीड है विच इज इन मीटर पर सेकेंड, उसमें आप माइनस कर देते हो 4.5, वहाँ से निकल के आता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये IRC ने डायरेक्ट दिया था एम्पेरिकल फॉर्मूला। और दूसरी चीज़, अगर ये एक्सेलरेशन आपको अगर नहीं दिया है तो आपको स्पीड चेक करनी पड़ेगी कि डिज़ाइन स्पीड कितना दिया हुआ है। अगर डिज़ाइन स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है तो एक्सेलरेशन आपको 0.72 मानना पड़ेगा इन m/s², और अगर 100 किलोमीटर पर आवर है तो आपको मानना पड़ेगा 0.53 m/s². वैसे तो ये एक्सेलरेशन ये सब दे दिया जाता है, ठीक है, जब ये आपके गेट में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे एजम्पशन पे क्वेश्चन नहीं चलता। ओके, तो वहाँ पर एग्जैक्ट आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया होगा और टाइम निकालने को कहा होगा कि आपने कितने टाइम पे ओवरटेक किया, तो विच इज़ इक्वल्स टू √4s/a। एस यहाँ पे फिक्स रहता है, ध्यान रखना 0.7 VB+6। तो था ना फ्रेंड्स ये इजी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। बस ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि सबको मीटर पर सेकंड में रखने की कोशिश करना, नहीं तो ज़्यादातर मिस्टेक्स वहीं पे होती हैं कि लोग वी बी जब नहीं दिया होता है तो डिज़ाइन स्पीड का निकालने का फॉर्मूला यही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर वी KMPH में लिख देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। यहाँ पर ये वी आपका मीटर पर सेकंड में होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि अगर कोई भी रोड है, अगर उसमें 2 से ज़्यादा लेन हो, जैसे 4 लेन अगर रोड है, ठीक है, तो उसमें OSD आपको देने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर डिवाइडेड हाईवे है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब, क्योंकि ये आपके MCQs में पूछे आते हैं, ठीक है, ESC गेट में। तो आपके पास अगर ये डिवाइडेड हाईवे है तो यहाँ पे जो एक गाड़ी इसको ओवरटेक करेगी, तो इस गाड़ी को दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी को देखने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो इससे सिर्फ कितना डिस्टेंस चाहिए होगा, एक तो वो जिस फोर्स स्पीड से जिससे दूसरी वाली गाड़ी ने उसको फोर्स किया चलने के लिए, और दूसरा जितने टाइम पे ओवरटेक करेगा। तो इट इज़ OSD = D1 + D2, इसमें D3 नहीं आता है दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी का। तो ये सब इंपॉर्टेंट रखने वाली यहाँ पे बात थी। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में नीचे जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।